स्पीकर साहब, मैं समझता हूँ बहसीत बलूचिस्तानी कि ये जो पेश किया गया है इसमें शायद मिसप्रिंट हुई है। लिहाजा वज़ीर ख़जाना से गुजारिश है कि वो इसको गौर से देखे। इसको चाहिए था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनजस्टिस होता, क्योंकि बलूचिस्तानी लोगों के साथ जिस तरह की इनजस्टिस हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, सबसे ज़्यादा मिसिंग पर्सन आपके बलूचिस्तान के, सबसे ज़्यादा जो है इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी बलूचिस्तान के लोगों के साथ, तो मैं समझता हूँ ये रकम जो है यहाँ के लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। अगर ये रकम सही मानों में इस्तेमाल होती तो जेलों में पड़े हुए लोगों की हालत इज़हार पर तवज्जो दी जाती, लेकिन इतना बड़ा खरी रकम हम शुरू दिन से आज तक जस्टिस कायम करने में नाकाम रहे, और आज जस्टिस के नाम पर इतनी बड़ी रकम रखकर हम लोगों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये खतीर रकम चाहिए था बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में, जहां लोगों को पीने का साफ पानी नहीं, उनको पीने का साफ पानी मुहैया किया जाता। ये खतीर रकम चाहिए तो ये था कि बलूचिस्तान के नौनिहाल और बच्चे जो स्कूल से महरूम हैं, तालीम से महरूम हैं, उनके लिए रखी जाती, ताकि बलूचिस्तान में तमाम लोगों को यकसर अंदाज में एक साथ तालीम की सहूलत फराहम की जाती, और ख़ासकर माजूर अफराद। मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में माजूर अफराद जहाँ से मैं आ रहा हूँ खुजदार से, वहाँ पर वो हड़ताल पर हैं, उनकी हालत इज़हार भी बहुत ख़राब है, लिहाजा उनके लिए रकम रख दी जाती तो भी बेहतर थी। लिहाजा जो मैंने कट मोशन लगाया है, मैं समझता हूँ बहसीत बलूचिस्तानी मैं सही कह रहा हूँ, और इसको मंजूर की जाए, ख़ासकर इस ऐवान से।